वेलकम बैक। भारत अभी विकसित देश बनने से कोसों दूर है। वही प्रधानमंत्री ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प किया है। कैसे हासिल करेगा विकसित देशों में अपना नाम भारत, आइए देखते हैं रिपोर्ट में। भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। इन 75 सालों में भारत ने एक अर्थव्यवस्था के रूप में काफी तरक्की की है। अभी भारत 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा की जीडीपी के साथ दुनिया की पांचवी और एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हाल फिलहाल भारत को विकसित बनाने की चर्चा जोर पकड़ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि भारत को विकसित देश बनाना है। इसके लिए मोदी सरकार ने विजन @2047 तैयार किया है। इसे India@2047 और India@100 भी कहा जा रहा है। इस विजन में लक्ष्य तय किया गया है कि 2047 में जब भारत को आजाद हुए 100 साल हो जाएंगे, तब तक देश को विकसित देशों की कतार में लाना है। प्रधानमंत्री के इस विजन पर संसद के विशेष सत्र में भी चर्चा हुई है। संसद के इस खास सत्र में भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया गया है। अब भारत की बात करें तो हम भले ही दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हो, विकसित देश बनने के लक्ष्य से कोसों दूर है। प्रति व्यक्ति जीडीपी के हिसाब से भारत टॉप 100 में भी कहीं नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।